focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के लिए पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद अब जब सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है तो कई लोगों को इससे बेचैनी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और भारतीय जनता पार्टी का दर्द तो समझ में आता है। एलजी साहब काम में अवरोध पैदा करते हैं, ये भी समझ में आता है क्योंकि केंद्र के इशारे पर उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन अजय माकन जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बार बार दिल्ली की जनता के हित के हर काम में अवरोध पैदा करना समझ में नहीं आ रहा। आज समझना मुश्किल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में एलजी साहब काम कर रहे हैं या अजय माकन साहब ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर ली है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक झूठ बोलने की नाकाम कोशिश की उन्होंने कि दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने में घोटाला हो गया। उन्होंने कल तीन झूठ बोले। पहला उन्होंने बोला कि पहले कम कास्ट में सीसीटीवी कैमरा लगने जा रहा था और उसे बढ़ा दिया गया। दूसरा उन्होंने इस बात को दिखाने की कल कोशिश की कि एक बार दिल्ली सरकार ने टेंडर किया और फिर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी कंडीशन को रिलैक्स कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बजट में एक अनुमानित बजट एलोकेट किया। उसके बाद जब हमने पहली बार इसको लेकर के टेंडर हुआ, टेंडर में हमने लगाने की कास्ट, मेंटेनेंस का जो कास्ट, उन सारी चीजों को कैलकुलेट किया। लेकिन जो कल उन्होंने एक भ्रम फैलाया, टेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर होता है और दूसरा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर होता है। सीसीटीवी कैमरा लगाने में हम रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगेगा दिल्ली के अंदर तो उसका कितना खर्चा होगा। एक विधानसभा में 100 कमरे लगेंगे तो 100 × 20,000 हो जाए। अगर एक का खर्चा 20,000, 1,000 लगेंगे तो 1,000 × 20,000 हो जाए। दिल्ली सरकार जो कैमरे लगाने जा रही है रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगाने जा रही है, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं लगा रही है। रेट कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं और उसी रेट के अनुसार दिल्ली में जितने कैमरे लगेंगे उसका जो है खर्चा उसी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें घोटाला हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो बात कही कि पहले टेंडर हुआ उसके बाद इसमें रिलैक्सेशन दिया गया। जब पहली बार
नवंबर में टेंडर हुआ था, हमने जो कंडीशंस रखे थे उस कंडीशन के आधार पर दो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। फिर हम लोगों को लगा कि अगर दो कंपनियां आई हैं, अगर और भी एक्सपोर्ट्स कंपनियां आती हैं तो उसमें कुछ रिलैक्स किया गया। दोबारा टेंडर हुआ, दोबारा टेंडर में भी वही दो कंपनियां आई जो पहले थी, वही कंपनी, पहले भी दो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और दोबारा भी उन्हीं दो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार भी उन्हीं दो में से एक को देना था, दूसरी बार भी उन्हीं दो में से एक को देना था, घोटाला किधर हो गया? कोई तीसरी कंपनी तो आई नहीं जिसको फायदा पहुंचाने के लिए रिलैक्स कर दिया गया था। जो कंपनियां आई, दो कंपनियां, उन दो कंपनियों में एक प्राइवेट कंपनी थी और एक केंद्र सरकार के पैनल के, एक केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी वेल, जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है, भारत के जो नौ रत्न कहे जाते हैं उनमें से एक कंपनी है वेल कंपनी। उस टेंडर में प्राइवेट कंपनी का रेट ज्यादा था, सरकारी कंपनी का रेट कम था। तो सरकारी कंपनी का रेट कम था तो 11 के हिसाब से तो दिया जाएगा, अजय माकन जी के चाहने से प्राइवेट कंपनी को तो नहीं दिया जा सकता जब उसका रेट भी ज्यादा है, तो प्राइवेट कंपनी को कैसे दिया जा सकता है? सरकारी कंपनी को दिया गया, 11 पे दिया जा रहा है। नंबर टू बात, उन्होंने कल एक और झूठ बोला कि कैबिनेट से इसका अप्रूवल नहीं लिया गया। जनाब ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, रेट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रेट कॉन्ट्रैक्ट है। पॉलिसी डिसीजन कैबिनेट ने लिया कि हमें कैमरा लगाना है, दिल्ली की सरकार ने सारे अवरोधों के बावजूद ये फैसला लग लिया कि दिल्ली के अंदर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और जल्दी लगाने के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट का निर्णय हुआ। रेट कॉन्ट्रैक्ट के बाद दिल्ली में कितने कैमरे लगाने हैं उसके हिसाब से एक एस्टीमेट बजट बनेगा और उस एस्टीमेट बजट को कैबिनेट नोट उसका तैयार हो चुका है जो कैबिनेट के अंदर जाएगा। कैबिनेट में मीटिंग हुई नहीं, आपने बोला अप्रूवल ही नहीं लिया गया, किसको वर्क ऑर्डर कर दिया गया बिना अप्रूवल के, किसको टेंडर दे दिया गया बिना अप्रूवल के? प्रोसेस तो चलेगा, प्रोसेस से तो होगा। आज मैं अजय माकन जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रही है, इसके रोकने के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है और इसके रुकने से किसको फायदा होने वाला? क्या भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अजय माकन काम कर रहे हैं, या फिर इस सरकारी कंपनी को जो एलेवन आई है उसकी जगह प्राइवेट जो कंपनी है उसको दिलवाने के लिए प्रवक्ता बन के खड़ा हुए? किसको फायदा पहुंचाने के लिए वो मैदान में उतरे? ठीक यही काम अजय माकन जी ने किया था मोहल्ला क्लिनिक के लिए। मोहल्ला क्लिनिक का 8 महीने काम पेंडिंग रहा है और आपको जानकर के, दिल्ली वालों को जानकर के आश्चर्य हुआ कि मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार का तथा कथित आरोप का एप्लीकेशन अजय माकन ने दिया था जिसके आधार पर जो है जांच बिठा दी गई। कहां गया घोटाला? क्या हुआ उससे फायदा? किसको हुआ फायदा? दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ। 8 महीने पहले जो मोहल्ला क्लिनिक बनने थे आज वो 8 महीने लेट हो गए और आज भी मोहल्ला क्लिनिक जो बन के तैयार हो गए वो भी सिसक रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा। 8 महीने मोहल्ला क्लिनिक देर करवाने के गुनाह के जिम्मेदार है अजय माकन और आज फिर उसी षड्यंत्र के तहत उसी भाजपा के एजेंडे पर काम करने के लिए अजय माकन आए हैं कि जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक रुक गया उसी तरह से सीसीटीवी कैमरा का प्रोजेक्ट रुकवा दिया जाए। किस बात का डर लग रहा है? दूसरी बात, अजय माकन जी ने कल बहुत चिंता दिखाई महिला सुरक्षा की। दिल्ली के अंदर 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, कितने सीसीटीवी कैमरा लगाया कांग्रेस ने? क्यों नहीं लगाया कांग्रेस ने? आज जब दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार लगाने जा रही है तो क्यों दर्द हो रहा है? दूसरा, जब दिल्ली के अंदर
दामिनी का केस हुआ था उस समय अजय माकन जी